जालंधर अमृतसर हाईवे पर स्कूल बस का स्टीयरिंग फ्री होने से बस बेकाबू होकर पीएपी फ्लाईओवर से नीचे गिर गई, जिससे बच्चों को चोटें भी आई हैं। जानकारी देते हुए बस चालक ने बताया कि वह अमृतसर से करीब 20 बच्चों को लेकर लवली यूनिवर्सिटी आ रहे थे कि अचानक से स्टीयरिंग फ्री हो गया और गाड़ी बेकाबू होकर फ्लाईओवर से नीचे रेलवे क्रॉसिंग के पास जा गिरी, परंतु बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं सूचना मिलते ही थाना रामा मंडी, थाना बारादरी और पीसीआर की टीमें मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। ये स्टेयरिंग फेल होने की वजह ना जिदा बस थले डिगी आ, बच्चे बच्चे भी तो बच्ची बच्चे सके बच्चे, यह भी वो डिवाइडर ना लगन ना उपर ना पुल के नाल बस की छत लगन ना उन्हें स्लो होना बचा हो गया ना, तो बहुत बड़ा हादसा होना सी जे बंदबाजी पै जाती। ये अंबरसर साइड तो आ रहे जी, उधर कोई यूनिवर्सिटी है लवली वाले कोई ब्रांच आ उतो इतने एडमिशन करा आ रहे बच्चे, उन्होंने नहीं बिल्कुल बचा है सारा नॉर्मल है जी, बच्चे सारे नॉर्मल, ड्राइवर भी ठीक है जी। बच्चे 20 बच्चे होने सारे वे बच्चे कॉलेज के, किसी भी नहीं लगी, सारे सही सलामत ही रहे, महाराज की कृपा ना, किसी कुछ नहीं होया। उन्हें चलती गड्डी का की पता कि फ्री हो गया, हम चैकिंग हर बार हफ्ते बाद कराई दी है, हम की पता लगता, हम बंदे का नहीं पता, तो गए तो मशीनरी है की पता, कोई छोटा बच्चा नहीं, वे बच्चे महाराज की कृपा ना बिल्कुल ठीक हो गया, कोई गलबात यहोजी नहीं हैगी, ठीक है, बस इन्ना कुछ। नकोदे से पुनीत अरोड़ा की रिपोर्ट, सिटी होम न्यूज़।